नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। महत यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होने पर नीतीश कुमार का बयान। बिहार में 121 नई बसों का परिचालन होगा इन रूटों पर। बीपीएससी एसएफपी परीक्षा में इतने परीक्षार्थी होंगे शामिल। इस वेबसाइट पर सर्च करे जाती है गन्ना की जानकारी। मोहम्मद समी को कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मगध यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होने पर नीतीश कुमार का बयान। बिहार में मगध यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होने से लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और ऐसे में छात्रों को अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने या नौकरी पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित समारोह में माल्यार्पण करने के दौरान मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी वे समाधान यात्रा में है, लेकिन इसके बाद वे इस मुद्दे को लेकर भी बैठक जरूर करेंगे। इस बारे में विभागीय मंत्री को निर्देश दे दिया गया है, वे इसको देखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटी का सेशन सही समय पर हो। उन्होंने कहा कि ये ठीक बात नहीं है कि छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की बातों से हमें भी दुख पहुंचता है। सरकार बच्चे बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जल्द ही इस पर बैठक की जाएगी। उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के लिए शिक्षा विभाग की बड़ी पहल। राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के शिक्षकों की कमी को देखते हुए और पर्याप्त मात्रा में छात्र को देखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा इसके लिए बड़ी पहल की गई है। बता दें कि अब बीते दिन छात्रों के द्वारा शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को इस बारे में अवगत कराया गया तो शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे विशेष टीईटी तथा एसटीईटी आयोजित संबंधित नियमावली के साथ पूरी कार्य योजना का निर्माण करें। इसके साथ ही विभाग इन विषयों के कुल पदों की संख्या, कार्यरत बल और रिक्त पदों का विवरण भी जमा करे ताकि इस पर व्यवहारिक निर्णय लिया जा सके। बिहार के राजस्व मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता के द्वारा सचिवालय को एक लिखित सूचना दी गई है जिसमें बताया गया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें कि मंत्री के द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें बीते दिन सोमवार को दो अलग अलग नंबरों से फोन कॉल किया गया था जिस पर उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी और साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। उन्होंने बताया कि ट्रू कॉलर पर उस व्यक्ति का नाम दीपक पांडे दिख रहा था। वहीं इस नंबर को ब्लॉक करने के बाद दूसरे नंबर से कॉल किया गया था जो पप्पू त्रिपाठी के नाम से दिख रहा था। इसके साथ इस मामले को लेकर राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने पुलिस प्रशासन से इसकी जांच अविलंब कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार में 121 नई बसों का परिचालन होगा इन रूटों पर। बिहार परिवहन विभाग राज्य के द्वारा 121 नई बसों के परिचालन के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इन बसों का परिचालन पहले 80 और 41 रूटों पर किया जाएगा और इसके लिए राज्य में 110 बस स्टॉप का निर्माण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन बसों का परिचालन जिन रूटों पर किया जाएगा उनमें पटना, बक्सर, बिहार शरीफ, मसौरी, आड़ा, सासाराम, समस्तीपुर, मधुबनी, गया, भभुआ, मसौरी से कुनौली, अधरामठ, सिमरी, बख्तियारपुर, चंदौना, गौरीचक, जंदाहा, लौकही, नवगढ़, अतरी, मीना, खजूरा बाजार, मुंडेश्वरी, पटना के गांधी मैदान से बख्तियारपुर, नौबतपुर, पालीगंज, बीटा और बैरिया के नए पाटलिपुत्र बस स्टैंड से मीठापुर बस पड़ाव तक का रूट शामिल किया गया है। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत और परिषद में तब्दील हुए नगर निकायों में जल्द होंगे चुनाव। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस एहसाउद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस अंशुमान की खंडपीठ के द्वारा ग्राम पंचायत से नगर पंचायत और नगर परिषद में तब्दील हुए नगर निकायों के चुनाव को लेकर रेखा देवी की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। वहीं इस दौरान नगर विकास एवं आवास विकास के प्रधान सचिव आनंद किशोर के द्वारा हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि जल्द ही ग्राम पंचायत से नगर पंचायत और नगर परिषद में तब्दील हुए 15 नगर निकायों का चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कोर्ट ने इस बारे में विस्तृत सुनवाई की अगली तारीख 4 अप्रैल 2023 को निर्धारित की है। बीपीएससी एसएफपी परीक्षा में इतने परीक्षार्थी होंगे शामिल। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी एसएफपी परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दे दी गई है कि इस परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी से किया जाएगा और इस परीक्षा का एडमिट कार्ड 28 जनवरी को जारी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार होगा जब प्रारंभिक परीक्षा में 1/4 निगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीपीएससी एसएफपी प्रारंभिक परीक्षा में 4,34,000 और 671 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया है। वहीं इस परीक्षा का आयोजन राज्य के 35 जिलों में 805 केंद्रों पर किया जाएगा जिसमें राजधानी पटना में कुल 68 केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि यह परीक्षा 334 पदों के लिए होनी है।
उत्तराखंड पुलिस ने पटना में करोड़ों की ठगी मामले में की कार्रवाई। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा पटना में देर रात करोड़ों की ठगी के मामले में छापेमारी की गई। दरअसल राजधानी पटना के साइबर अपराधियों के द्वारा उत्तराखंड के एक व्यापारी से ऑनलाइन फ्रेंचाइजी देने के बहाने के नाम पर 1 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी की गई है। इसकी सूचना जब उत्तराखंड पुलिस को दी गई तो मामले की जांच करने के लिए उत्तराखंड की पुलिस पटना पहुंची। वहीं अब तक इस मामले को लेकर उत्तराखंड पुलिस के द्वारा आरोपितों की तलाश में 4 थाना क्षेत्रों में देर रात छापेमारी की गई है, जिनमें कदम कुआं थाना क्षेत्र, पीर बहोर थाना क्षेत्र, जक्कनपुर थाना क्षेत्र और पत्रकार नगर थाना क्षेत्र शामिल है। इस वेबसाइट पर सर्च करें जाति गणना की जानकारी। अगर आप भी बिहार में जाति आधारित गणना की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप एक वेबसाइट पर सर्च कर ये जानकारी पा सकते हैं। दरअसल अब जाति आधारित गणना की जानकारी विशेष पोर्टल पर देखी जा सकती है। इस पोर्टल को मुख्य सचिव आमिर सुभानी के द्वारा मुख्य सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बीते दिन सोमवार को जारी किया गया है और कहा गया है कि जल्द ही इस पोर्टल पर जाति आधारित गणना के पहले चरण की जानकारी देख सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वेबसाइट cbs.gov.in है, जिस पर जल्द ही निर्धारित प्रश्नावली के साथ सभी आंकड़ों को जारी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार को लगाई फटकार। बीते दिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के द्वारा बिहार में शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार को फटकार लगाई गई है। दरअसल बिहार में शराबबंदी मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष अदालतों के गठन की खातिर बुनियादी ढांचा समय पर न तैयार होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्यों न जब तक बुनियादी ढांचा तैयार हो जाए तब तक आरोपितों को जमानत दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विशेष अदालत के गठन के लिए सरकारी भवनों को क्यों खाली नहीं करवा रहे हैं। जहां तक शराब के सेवन के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है यह ठीक है, लेकिन इसका संबंध कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों को सजा देने की सख्ती से है। हालांकि कोर्ट के द्वारा सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस मामले पर क्या किया जा सकता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू की पौत्री का निधन। आज राजधानी पटना में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पौत्री व बंदी शंकर सिंह की बड़ी पुत्री वीणा सिन्हा का 90 साल में निधन हो गया, जिसके बाद उनके परिजनों और शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीणा सिन्हा का निधन पटना स्थित बोरिंग कैनाल रोड आवास में हुआ। मिली जानकारी के अनुसार वीणा सिन्हा श्री बाबू की सबसे प्यारी पोती थी और मुख्यमंत्री रहते हुए श्री बाबू ने वीणा सिन्हा की शादी अरवल के लारी निवास जमींदार एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय मिथिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर अवधेश प्रसाद सिंह के साथ संपन्न कराई थी। मालूम हो कि वीणा सिन्हा के निधन पर बीजेपी के नेता अरविंद कुमार के द्वारा गहरा शोक जताया गया है। बिहार में मिले 3 नए कोरोना संक्रमित। कोरोना ने एक बार फिर से बिहार में दस्तक दे दिया है। बता दें कि ताजा मामला बिहार के गया का है, जहां 3 कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि गया में 27 से 29 जनवरी के बीच 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इससे पहले एयरपोर्ट पर 3 पर्यटकों को जांच के दौरान कोविड पॉजिटिव पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार यह 3 पर्यटक थाईलैंड निवासी हैं, जो इस महोत्सव में शामिल होने के लिए गया पहुंचे थे। हालांकि जैसे ही इन 3 पर्यटकों के संक्रमण की पुष्टि हुई उन्हें तुरंत आइसोलेट कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 दिनों के अंदर 7 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब पटना पुलिस की मदद से लोगों को घर बैठे मिलेंगी ये सुविधाएं। बहुत जल्द ही अब पटना पुलिस भी दिल्ली बेंगलुरु जैसे पुलिस की तरह स्मार्ट बनने वाली है। बता दें कि स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में बिहार पुलिस पटना से एक बड़ी शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत अब पटना वासियों को यातायात व्यवस्था से जुड़ी सारी जानकारी फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के जरिए घर बैठे मिल सकेगी। इसमें उन रूटों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक लोड है। इसके साथ ही इसकी मदद से यूजर्स को हर पल का अपडेट दिया जाएगा। सोशल मीडिया हैंडलर्स इस पर न सिर्फ जाम से जुड़ी जानकारी हासिल कर पाएंगे बल्कि अन्य जानकारी भी हासिल कर पाएंगे। वहीं इस पहल से पुलिस को भी यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। जेडीयू के इस बड़े नेता ने उपेंद्र कुशवाहा को दी नसीहत। एक तरफ जहां लगातार उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा पार्टी को कमजोर बताया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर जदयू के बड़े नेता उन्हें नसीहत देने में लगे हैं। बता दें कि पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत देते हुए कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी समता पार्टी के नेताओं में से हैं। उनकी सार्वजनिक ये सब बातें करने के बजाय नीतीश कुमार जी से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में खुलापन होने चाहिए लेकिन संवादहीनता की भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने बीजेपी से खुद को अलग कर लिया है।
मोहम्मद शमी को कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोर्ट की ओर से तगड़ा झटका दे दिया गया है। बता दें कि कोलकाता के अलीपुर जिला अदालत के अपर जिला न्यायाधीश आनंदिता गांगुली के द्वारा क्रिकेटर मोहम्मद शमी को आदेश दिया गया है कि उन्हें हर माह 10 तारीख को अंतरिम भरण पोषण के तौर पर पत्नी हसीन जहां को 50,000 रुपए देने होंगे। हालांकि इससे पहले 2018 में अदालत के द्वारा इस मामले को लेकर आदेश दिया गया था कि शमी को अपनी बेटी के लिए प्रति माह 80,000 रुपए का भुगतान करना होगा, यानी कि अब मोहम्मद शमी को प्रति माह 1.5 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। हालांकि इस फैसले से हसीन जहां संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि मोहम्मद शमी की आमदनी उनकी तुलना में बहुत ज्यादा है, इसलिए हसीन को अपनी बेटी के साथ जीवन स्तर को बनाए रखने में अधिक धन की आवश्यकता होगी, इसलिए वह अब इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है वकील प्रसाद, कुश कुमार यादव, नन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, दीपक कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, कुमारी संजना, जीवनाथ मंडल, सुनील कुमार, नुसरत बनू, मुटू रंगीला, लक्ष्मी मेहता, महमूद अंसारी, शंकर मुखिया, सचिन कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर कैसे राजनेता रहे हैं? अब अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।